जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक अहम बैठक बुलाई है, ऐसा बताया जा रहा है। सीएमओ में अधिकारियों की बैठक होगी। अवकाश के दिन सचिवालय सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से बुलाई गई है और सारे अधिकारी जो है बताया जा रहा है कि सीएमओ में आयोजित होने लगे हैं, एकत्रित होने लगे हैं, क्योंकि सीएमओ में ही बैठक को बुलाया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों को तलब कर लिया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा इसको लेकर के संभावना यह है कि रूपरेखा जो है वो तय की जा सकती है, क्योंकि अवकाश के दिन ये बैठक बुलाई गई है। इससे अंदेशा ये जताया जा रहा है कि शायद कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीएम भजनलाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, सभी अधिकारियों को सीएमओ पहुंचने के निर्देश दिए गए। उधर अजमेर में 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही अलग अलग जगहों पर बने अवैध हुक्का बार और रेस्टोरेंट्स में चल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग की गई है। अजमेर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों को सख्त सजा की मांग को लेकर एक दिन पहले जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया, वहीं शुक्रवार को दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों को सख्त सजा की मांग की। साथ ही अवैध हुक्का बार और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की अपील भी की। मुस्लिम धर्म के जो भी लड़के असामाजिक तत्व हैं, वो हमारी बहन बेटियों को बैला फुसला कर स्कूल के वहाँ जाके, मॉल के पास जाके और कैफे के उधर जाके बैला फुसला कर ले जा रहे हैं। साथ में ले जाने के बाद वो लोग वहाँ पर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ से आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम हिंदू श्रेणी कमजोर नहीं है। अगर आज के बाद हमने कभी भी अपनी बहन बेटियों के साथ में इन मुस्लिम लड़कों को पकड़ा तो वहीं पर हम उनका किस तरह से हश्र करेंगे उसका अंदाजा उनको लगा नहीं पाएंगे। अजमेर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव के साथ ही दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति अजमेर की कई महिलाएं कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जिन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप, साथ ही नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों को फांसी की मांग की। हम लोग वहाँ पर उनके बुलडोजर चलवाएंगे और ऐसे लड़के जो पकड़े गए हैं हम उनके लिए कहेंगे ऐसे लड़कों को फांसी दी जाए जो हमारी बहन बेटियों को फुसला रहे हैं। साथ ही मैं बेटियों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को समझदारी रहें। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना जीवन खराब कर देते हैं, अपने धर्म का नाम खराब कराते हैं, तो ऐसी बेटियां में जरा अपने आप को संभाल कर चले। 11वीं की छात्रा के साथ जिस तरह घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद मातृशक्ति आग बबूला है और सभी चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस सख्त एक्शन ले ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एक बार फिर से क्राउड मैनेजमेंट की कोशिश तेज हो चली है। हालांकि इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की गईं, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकेगा।
ये है राजधानी जयपुर का SMS अस्पताल, जहां गर्मी के मौसम में मरीजों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब SMS अस्पताल क्राउड मैनेजमेंट के बारे में विचार कर रहा है, जिसकी कोशिश पहले भी की गई थी। SMS अस्पताल में हर रोज करीब 10,000 से ज्यादा मरीज OPD में आते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसे काम किया जाए, इसे लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का एक दल दिल्ली के एम्स में अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन, परामर्श, जांच और दवाओं के लिए मरीजों और परिजनों को कतारों में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए AI और IT आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। हम लोगों के पास जो OPD का फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब उसको हम उनको देखने से तो मना नहीं कर सकते। अब हम उन लोगों के एफिशिएंट और फास्ट प्रोसीजर की कोशिश कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को ज्यादा टाइम, ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। SMS की कोशिश है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को और एफिशिएंट किया जाएगा। इसके साथ ही OPD में मरीजों के नंबर डिस्प्ले किए जाएंगे, ताकि बेवजह की कतारें ना लगे। क्यू मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट देंगे, डॉक्टर्स को टैग दिए जाएंगे, डिस्प्ले होगा सबका नंबर कि किसका नंबर कितनी देर में आ रहा है, उसके लिए प्रयास करेंगे। चिकित्सा संस्थानों में मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त पर OPD में डॉक्टरों का पहुंचना भी जरूरी है, ताकि मरीजों की भीड़ को बढ़ने से पहले ही काबू किया जा सके। सौरभ गृहस्थी, News 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बिग ब्रेकिंग में देखिए तमाम बड़ी खबरें।